वेलकम बैक टू अलमीम एंटरटेनमेंट। आई एम सूफी माकड़ा एट लाजपुर में हूँ और सारा गोट फार्म के वन ऑफ दी ओनर मेरे साथ है तलहा भाई। वालेकुम सलाम तलहा भाई। तलहा भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह। तलहा भाई सबसे पहले तो ये लोकेशन जो है हमारा वो लाजपुर है। लाजपुर जेल के सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उसके पीछे है। ओके बिल्कुल। अच्छा तलहा भाई, वैसे तो पहले लाजपुर इज फेमस फॉर फूड, फूड हब है। यहाँ पे काफी तवा रेस्टोरेंट और वगैरह जो काफी पूरा सूरत में फेमस है। बिल्कुल। लेकिन अभी बहुत टाइम से कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जिनमें वन बाय वन गोट फार्म आ रहे हैं और वो लाजपुर से आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपकी, है ना। तो मेरे को लग रहा है कि अभी ये फूड खाने के साथ साथ फार्मिंग के लिए भी हब बन चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। अच्छा तलहा भाई, आप लोग वैसे प्रॉपर कहाँ से हो? हम प्रॉपर सूरत से हैं। सूरत से हैं। बेसिकली यहाँ पे अब्बा लोग ने, चाचा लोग सब यहाँ पे 40-45 साल से यहीं पे सब कर रहे थे। जी, हमारे डेयरी गाय भैंस का तबेले से लाट डेयरी फार्म से डेयरी फार्म था। उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई को ने उसको जानवरों का शौक जी ज्यादा है, तो वो हिसाब से गोट फार्मिंग भी उसके साथ चालू ओके किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआ से एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप किया है हमारे इसमें। मगर क्या, छोटे बच्चों से 3-4 जानवर से हमारे भाई लोगों ने शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 150 के ऊपर जानवर है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ, हमारे व्यूअर्स और दर्शक लोगों को बता दे कि डेयरी फार्म की बात की, लेकिन हम भैंसे नहीं दिखा रहे ना तो गाय दिखा रहे। वो हमने बिजनेस को वाइंड अप करके अब फिर हम लोग ने गोट फार्मिंग यानी एनिमल हस्बेंड्री जो कहते हैं वो चालू ही रखा है। ठीक है। अब वो बकरों के फार्म पे आ गए। जी ठीक है। तो हम लोग दिखा रहे हैं बकरे, दिखा रहे हैं माशाल्लाह गाय भैंस जैसे है, गाय भैंस नहीं है लेकिन माशाल्लाह गाय भैंस जैसे है। ठीक है। तो तलहा भाई, हमारे पास पहला एक बकरा लेके आप खड़े हो, इसके बारे में बताइए। ये अल्हम्दुलिल्लाह सोजात और पतिरा क्रॉस में है, अल्हम्दुलिल्लाह 6 दांत के ऊपर है जी अभी, और स्पॉटलेस बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग के लिए हम लोग इसको एज अ ब्रीडर यूज करते हैं। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 5-6 ब्रीडर है, तो वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आएगा, तो हिसाब से भी ठीक है माशाल्लाह। बकरा बहुत अच्छी तैयारी पर है, 6 दांत पर है। तलहा भाई, ये कहीं से दांत पर है? कहीं से परचेज किया था आपने? नहीं, ये हमारे घर का ही बच्चा है। घर का बच्चा है जी। ठीक है। ये पतिरा सोजत में, पतिरा सोजत पूरा गुलाबी है, गुलाबी में है, पूरा सोजत गुलाबी में है। तो ये जो फेस पे डॉट है जी, ये सोजत की वजह, ये सोजत की निशानी भी है एक्चुअली, के सोजत में है तो स्पॉट रहेगा। जी जी जी। वैसे बकरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तलहा भाई, आपके हिसाब से अगर ये किसी को ब्रीडिंग में लेना है या फिर किसी को कुर्बानी के लिए रेडी करना है, दोनों चीज के लिए, दोनों चीज मेरा पॉसिबल है। अगर ब्रीडर के लिए चाहिए तो भी दे दूंगा, और अगर उसको पलाई पे रखना हो तो भी मेरे यहाँ पे करके कुर्बानी में वो ले जा सकता है। ठीक है। ओके तलहा भाई, कितना वजन रहेगा इसका? इसका 85-90 किलो के अप्रोक्स होगा, 85-90 के बीच रहेगा। 85 तो अल्लाह ने चाहा तो होगा ही, उसके ऊपर जाएगा। ये हमें सेल करना है जी। ठीक है, बेचना है ना जी। ठीक है, हम पीछे से भी पूरा बकरा दिखा देते हैं। बकरा गुलाबी में है, खुर व्हाइट है तलहा भाई? खुर व्हाइट है इसके, खुर व्हाइट में है। पता नहीं, शायद ये शेडो में दिख नहीं रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यहाँ पे पता नहीं, लेकिन हाँ वो क्या है, अगर ठंडी है तो नहलाना थोड़ा नहीं अभी अभी लास्ट वीक में बहुत ठंडी थी जी। आज थोड़ा कम है लेकिन नहीं तो लास्ट वीक में वजह से बाकी पूरा व्हाइट में है, पूरा व्हाइट में है जी माशाल्लाह। और पूरा यानी हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह, कान वान जी। ठीक है, कोई बात नहीं तलहा भाई, छोड़ दो नहीं इसको, छोड़ दो। चलने फिरने में भी एकदम कंप्लीट है। बकरा ब्रीडिंग भी कर चुका है ऑलरेडी, ब्रीडिंग ले चुके हैं, तो ब्रीडिंग में भी, वालर भी आप देख सकते हैं। इसका सीना और जो रुआब जो है तलहा भाई, बिल्कुल एकदम वो शेर की तरह है। ठीक है, चलिए तलहा भाई वो दूसरा वाला बकरा दिखाते हैं। ये हैदराबादी और पतिरा का क्रॉस है, हैदराबाद पतिरा का क्रॉस है। ये स्पॉटलेस बकरा है, इसमें एक भी स्पॉट्स नहीं है, एक भी स्पॉट्स नहीं है, ना चमड़ी में है ना कुछ है, पूरा का पूरा गुलाबी है, व्हाइट आईज है इसकी। इसके ये इसके पहले यानी वो एकदम आगे से जो घेटों के सिंग होते हैं ऐसे सिंग आ रहे थे, अभी मैंने 8 दिन पहले नर आए थे तो कटवाए, बाकी इतने मस्त आगे से, मतलब वो घूम के, मतलब वो घूम के उसकी आंखों में जा रहे थे जी, उसके लिए हटा दिया। और ये पूरा यानी ये जो सिंग है ये पूरे, और ये सिंग भी पूरे व्हाइट है, इसकी खुर भी पूरी व्हाइट है, और पूरा बकरा गुलाबी अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों सिंग बना दिए पूरे, दोनों सिंग बनाए और पूरा व्हाइट आंखों में, स्पॉटलेस बकरा है, पूरा गुलाबी है। इसका पफ भी अच्छा है जी,
और खुर भी व्हाइट में है, पूरी व्हाइट है, पूरी व्हाइट है इसकी, खुर और सब व्हाइट है, यानी पूरा ही गुलाबी अलहमदुलिल्लाह। पीछे से भी बता दे, पूरा पिंक में कोई स्पॉट नहीं है जी। और ये अलहमदुलिल्लाह इसकी झालर वालर भी एकदम माशाल्लाह, ये झालर आप देख सकते हैं बच्चे की झालर, इसके आप झालर देख सकते हैं। ये भी अपने घर का है? नहीं, ये मैंने बच्चा था तो लिया था। अच्छा, परचेज किया था। व्हाइट आईज में बच्चे हैं, बच्चे भाई? बहुत अच्छा आते हैं। अच्छा, इसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है, व्हाइट है, व्हाइट आईज में आ रहे हैं, अच्छे लंबे कान आ रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं कान, अरे आईज जो बच्चों में आ रही है व्हाइट आ रही है, व्हाइट आईज आ रही है। अच्छा ठीक है, चाहे वो फीमेल जो नॉर्मल हो, नॉर्मल के अंदर ही आ रहे हैं, यानी आप कोई भी देसी हो ये, यानी उसके अंदर ये रिजल्ट दे रहा है। ओके ठीक है माशाल्लाह, तो इसके लिए ये भी हमें सेल करना है, ठीक है। तो ये दोनों बकरे हैं जो ब्रीडिंग लाइन के लिए है, और या तो जिसको कुर्बानी में प्रिपेयर करना हो उसके लिए भी है जी। तो और दोनों सेल करना है, दोनों सेल, जिसको भी इंटरेस्ट हो वो तलहा भाई का नंबर दिया है, स्क्रीन पे नंबर दिया है तलहा भाई और तारिक भाई का, तो जिसको भी चाहे व्हाट्सअप करे और उनका कॉन्टेक्ट कर ले। चलो भाई, इसका वेट कितना रहेगा? अप्रोक्स 50 से 55 के बीच में होगा, 50-60 रहेगा शायद, यानी 55 के, यानी हम क्यों कम बोलते हैं, 5 कम बोलता के ज्यादा बोल के कस्टमर को वो नहीं करना है, कम बोलो ज्यादा होगा इंशाल्लाह, अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। नहीं लेकिन होगा 60 तो मेरे हिसाब से होगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए तो ये दो बकरे हो गए, देख सकते हैं पूरा गुलाबी, हाँ पूरा पूरा पिंक में है। सारा गोट फार्म जो कि लाशपुर में, तला भाई हम ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे बोलेंगे हम पहुँचा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया पहुँचा सकते हैं ना, बाय ट्रेन और वॉटर जैसा भी होगा, जहाँ पे भी रहेगा जी। ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होगा वो पार्टी को बेर का, वो अलग से जो जहाँ का रहेगा वो, तो अभी डेफिनेटली तला भाई सब जानते ही है कि ट्रांसपोर्ट का अलग रहेगा, लेकिन इसकी प्राइस के लिए हम क्या करेंगे? कॉल पे ऑन कॉल, ऑन कॉल कॉल पे बताएंगे, ठीक है कोई बात नहीं है। तला भाई इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।